हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग माँ दुर्गा की आराधना कई वर्षों से करते आ रहे हैं और माँ भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनकी मनोइच्छा की पूर्ति के लिए युगो युगांतर से इस पृथ्वी पर पदार्पण करती हैं। साल में दो बार यानी कि चैत्र मास और कुवार मास की परेवा से लेकर नवमी तक माँ नव दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की जाती है, आराधना वंदन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौ दिनों की ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है? अगर नहीं तो जरूर इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको बहुत सारी रोचक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही पावन माना जाता है। कुवार मास की नवरात्रि से हमारे हिंदुओं में सभी कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं माँ दुर्गा का नाम लेकर इसकी शुरुआत कर दी जाती है और धूम होने लगती है तीज त्योहारों की। जी हाँ, जैसे ही नवरात्रि आती है भक्त अपने माँ के स्वागत के साथ साथ अपने जीवन में हर्षोल्लास के साथ आने वाले सभी त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन शुरुआत होती है नवरात्रि से, तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि यानी कि नौ दिन की ये नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और इसका क्या पौराणिक महत्व है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले वो कहानी जो शायद बहुत सारे लोगों को पता हो। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे वैसे तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन जिनमें से पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वो देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव और विष्णु की क्रोध व अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हो गया जो कि निरंतर 9 दिनों तक चलता रहा। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि 9 दिनों में देवताओं ने रोज निरंतर देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया था। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाना शुरू कर दिया गया था और हर साल माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन उनकी आराधना और वंदना करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है एक और भी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। नवरात्रि की एक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण की चुंगल से छुड़ाने के लिए और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने भी माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया था। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम भगवान को विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था और 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध भी कर दिया था। प्रभु श्री राम ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की आराधना की थी, यानी कि जो अश्विनी मास की दुर्गा पूजा होती है उसके पीछे यही पौराणिक कथा प्रचलित है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक देवी की आराधना करने से कहा जाता है कि सभी भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जैसे भगवान राम के मनोरथ सिद्ध हुए थे, माता सीता को वो छुड़ा कर लाए थे और रावण का उन्होंने वध किया था। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है और शक्ति की आराधना करने से किसी को भी शक्ति ही प्रदान होती है। पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कारण कोई भी हो, लेकिन जिस कार्य को करने से मन को शांति मिले, मन को सकारात्मकता मिले, वो हमारे लिए अच्छा ही है। भले ही आजकल लोग पूजा पाठ में कम विश्वास करते हैं, लेकिन पूजा आराधना अर्चना एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे में माँ दुर्गा आप सभी हम सभी भक्तजनों के जीवन में सकारात्मकता का संचार करें और सबके जीवन में मंगलमय करें। इसी आराधना और वंदना के साथ मिलते हैं अगले नए रोचक वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि,
जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करें, सबके जीवन को मंगलमय।